प्रिय छात्रों, कैसे आप सभी लोग। आगे हम लोग अगले न्यूमेरिकल पर फिजिक्स क्लास 12th के जो न्यूमेरिकल लेकर चल रहे हैं, जिसमें कि अभी बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि एक कप जल में कितना धनावेश या ऋणावेश है, अथवा 250 ग्राम जल में कितना धनावेश या ऋणावेश है। तो देख लीजिए, ये हमारे पास एक कप है और इसमें जो है ये 250 ग्राम जल है, 250 ग्राम जल है। तो 250 ग्राम जल है, इसमें तो H2O अणु होंगे, H2O के। तो H2O में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अणु होगा, और हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, दो। तो ऑक्सीजन का एक अणु है, तो इसमें देख लीजिए होता है ऑक्सीजन का 8O16। 8 होता है परमाणु क्रमांक और 16 होता है परमाणु भार। तो प्रोटॉन कितने हैं इसमें, इसमें प्रोटॉन है 8, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इधर हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का होता है 1H1, यानी एक ये हमारा इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक और ये हमारा परमाणु भार। तो इसमें देखेंगे प्रोटॉन भी कितना होगा, 1, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1। लेकिन दो है हाइड्रोजन हमारे पास, तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल बात करेंगे तो इसमें जो है 8 इसमें प्रोटॉन 8 इसमें, कुल बात अगर करेंगे तो यहाँ पे 10 प्रोटॉन या फिर 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। ये एक नियम है कि किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसे हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या। आप देखिए यहाँ पर एक कप में हमको निकालना है धनावेश ऋणावेश 250 ग्राम जल में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 250 ग्राम जल में मोलों की संख्या, जल में मोलों की संख्या। तो 250 ग्राम जल में मोलों की संख्या, तो ऊपर लिखेंगे इसका भार, नीचे लिखेंगे अणु भार। तो भार कितना है, भार है तो 250 ग्राम। अणु भार कैसे निकालेंगे, देख लीजिए, जल का अणु भार H2O का अणु भार, अणु भार निकाल लेंगे। अणु भार कैसे निकाल पाएंगे, देखो हाइड्रोजन के कितने हैं परमाणु, दो। तो इसको इसका भार कितना है, 1 परमाणु भार, तो 2 एक कम 2। ऑक्सीजन का कितना है, 16। तो इसमें तो ऑक्सीजन का एक ही है, तो 16 तो कितना हो जाएगा, 18। तो ये आ गया हमारा मोलों की संख्या, इतने मोल हमारे पास जो है आ गए हैं। अब हमको निकालना है 250/18, 250/18 मोलों में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या निकालेंगे तो 250/18 गुणे अवोगाद्रो संख्या, कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है हमारे पास, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या। इसका मान कितना होता है, 250/8 बराबर गुणे 6.023 गुणे 10^2, 3। इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि एक अणु होता है, एक अणु H2O का अणु, एक H2O का अणु जो होता है, एक H2O के अणु में प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है हमारे पास में 10। तो मान लेते हैं कि इस पूरे कप में n अणु होंगे H2O के, तो यहाँ लिखेंगे माना H2O के n अणु हैं, n अणु हैं, तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ n गुणे 10, इतना हो जाएगा। अब हम निकालेंगे कि कप में उपस्थित धनावेश, कप में उपस्थित धनावेश या फिर ऋणावेश, उपस्थित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा Q बराबर, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एन ई, और यह हमारा दिया हुआ है एन इंटू टेन इंटू ई। ये
एन का मान हमारा यहाँ पे है, ये 250 बटे 18 गुणे 6.023 गुणे 10^23 इंटू 23 इंटू हमारा 10 इंटू ई, ई का मान हमारे पास 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। अब बस मुझे केवल इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.337 337 गुणे 10^7 7 कूलम, ये हमारा आएगा इस पे आवेश। अब इसे आप जो है HW में इसको जो है घर पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा आप में, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।